Hello everyone, my name is Anjali. Welcome back to my channel Modi Academy. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि 9th NCERT साइंस टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, जिसका हम आज पढ़ेंगे पार्ट 3 बोहर एटॉमिक मॉडल एंड वैलेंसी. सो इसके दूसरे भी पार्ट्स प्रेजेंट है मेरी चैनल पर, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके दूसरे पार्ट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर एटॉमिक मॉडल एंड वैलेंसी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बोहर्स मॉडल. सो बोहर का भी एक एटॉमिक मॉडल था, जैसे थॉमसन्स मॉडल है या फिर रदरफोर्ड मॉडल है, इसी तरह बोहर ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है एटॉमिक मॉडल में. सो द मेन पर्पस ऑफ बोहर्स मॉडल वाज इलेक्ट्रॉन. उन्होंने मेन जिसके बारे में मेंशन किया है वो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. Bohr's model of the atom was proposed by Niels Bohr in 1915. It came into existence with the modification of Rutherford's model of an atom. ठीक है, तो पहले जो रदरफोर्ड का मॉडल था, जो कि बहुत सिमिलर था बोहर्स मॉडल से, वैसे ही काफ़ी सिमिलर मॉडल बनाया है बोहर ने. सो ये 1915 में इंट्रोड्यूस किया था नील बोहर ने. Bohr modification this atomic structure model by explaining that electrons move in a fixed orbitals shells and not anywhere in between, and also explained that each orbit shell has fixed energy level. Rutherford basically explained the nucleus of the atom and Bohr modified that model into electrons and their energy levels. सो जो रदरफोर्ड है, उन्होंने जो इन्वेंशन प्रपोज किया था, उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, वो बेसिकली न्यूक्लियस और प्रोटॉन और मास के बारे में था, बिकॉज उन्होंने अल्फा रेज पास की थी और उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि एटम में कोई मास प्रेजेंट है. बट नील बोहर ने उसे बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया आगे और मेंशन किया कि उस मास के सराउंडिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स. सो नील बोहर ने बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पाथ में रिवॉल्व हो रहे अराउंड द न्यूक्लियस, मेनली इसी बारे में बताया है. सो अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व एनीवेयर इन द एटम बट इन अ फिक्स सर्क्यूलर पाथ विच ही नेम्ड एज ऑर्बिटल्स और शेल्स. ठीक है, सो ये यहाँ पे जो फिगर दी हुई है, वहाँ पे बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स बने हुए, सराउंडिंग में जो फील्ड बनी हुई है, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, ये शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स मॉडल. नाउ वी विल लर्न अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. मेन जो थियोरी उन्होंने बताई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पोस्टुलेट्स है उसके बारे में. In an atom, electrons negatively charged revolve around the positively charged nucleus in a defined circular path called as orbital shells. ठीक है, defined electrons से जो negatively charged है वो एक ही field में, एक ही path में revolve करते हैं around the nucleus जो कि positively charged है. ठीक है, each orbit or shell has fixed energy and these circular orbits are known as orbital shells. ठीक है, वो fixed path में ही revolve करते हैं, वो कहीं भी अपना path छोड़ के नहीं जाएंगे, वो एक fixed orbital में, fixed path में revolve करते हैं around the nucleus. The energy level are represented by an integer n is equal to 1, 2, 3, 4, so on. ठीक है, वो orbital को denote कर रहा है कि energy level अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, जैसे the most inner one is called as 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे, known as the quantum numbers. This range of quantum numbers starts from nucleus side with the n is equal to 1 having the lowest energy level. ठीक है, जो first जो orbital है, जो कि सबसे innermost orbital है, जो nucleus के सबसे नज़दीक है, quantum number है उसका 1, और उसकी जो है वो सबसे lowest energy level रहेगी, सबसे low रहेगा energy में. ठीक है, the orbits in n is equal to 1, 2, 3, 4 are assigned as K, L, M, N shells.
And when an electron attains the lowest energy level, it is said to be in the ground state. ठीक है, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो है K. जैसे 1, 2, 3, 4 हम डिनोट कर रहे हैं, वैसे ही K, L, M, N भी हम शेल्स में डिनोट कर सकते हैं. सो जो न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक होगा वो ग्राउंड स्टेट रहेगा, जो फर्स्ट ऑर्बिटल है दैट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट. द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी. And an electrons move from higher energy level to lower level by losing energy. ठीक है, जब भी कोई chemical reaction या कुछ भी होगा तब या तो electron जो है वो lower, जो सबसे अंदर वाली orbit है उससे बाहर वाली orbit तक travel करेगा, या फिर अगर उस reaction में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो highest energy level से lowest energy level तक, मतलब ground state तक भी travel कर सकता है. Now we will study about the limitations of Bohr model of an atom. ठीक है, जितनी भी theories है, जितने भी models बने हुए हैं अब तक, उन सब में कहीं ना कहीं किसी तरह की limitations, रोक आती ही है. So Bohr में भी है. So we will study about limitations of Bohr's model. Bohr's model of an atom failed to explain the Zeeman's effect of magnetic field on spectra of atom. ठीक है, सो जो भी आउटर लेयर है या फिर जितने भी ऑर्बिट्स है उसमें क्यों मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर. सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन. सेकंड वाज इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम. ठीक है, जो भी स्टार्क इफेक्ट है, जो भी स्पेक्ट्रा ऑफ एटम है, उसे भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. इट वायोलेट्स द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एंड लास्ट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम. जो स्पेक्ट्रा है, जो रेज है, वो क्यों लार्जर एटम से ऑब्टेन करता है, इसके बारे में भी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे. वॉट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? सो उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है वैलेंसी का. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सो वैलेंस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम मस्ट लूज और गेन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर शेल में जो भी है, जो मोस्ट आउटर शेल में इंडिविजुअल है, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो एक्स्ट्रा है. सो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल दैट आर नॉट फील्ड आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के साथ या फिर इनर्ट गैस के साथ कंबाइन होने का ट्राई करेंगे, तब उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि आउटर शेल में प्रेजेंट है, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे. The valence electron are part of most of the chemical reaction because they contain more energy compared to electrons present in the inner orbit. Meanwhile, the number of valence electrons present also help us determine a specific element's chemical properties such as its valence or valency. The formation of bond with other elements. It also gives us an idea of how readily the atom can form a bond. The number of unpaired electrons and how many atoms can take part. ठीक है, so mainly जब भी chemical reaction होता है तब कुछ electrons lose होते हैं या कुछ gain होते हैं, तो उसे हम valency कहेंगे उस atom की. So जितने भी unpaired electron होंगे most outer orbit में, उससे उस पर डिपेंड करता है कि दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड कैसा बनेगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम. की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर. फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ओनली इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल. तो पहले हमने जैसे देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मोस्टली सभी एलिमेंट्स में आउटर शेल में रहेगा, जो मोस्ट आउटर शेल है उसमें. अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन द इनर शेल फॉर अ ट्रांजिशन मेटल्स. सो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जिसमें, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल, उसमें मोस्ट इनर मोस्ट लेयर में ऑर्बिट में भी प्रेजेंट हो सकता है. An atom consisting of closed shell of a valence electron will usually be chemical inert.
A valence electron can either absorb or release energy in a form of a photon. A valence electron also determines the electrical conductivity of an element depending on its nature. Element can be metal, non-metal or metalloid. Thank you. If you like this video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.